अगले 2 घंटे में बंद हो जाएगा आपका सिम कार्ड, क्या आपको भी आता है ऐसे कॉल? तो हो जाए सावधान। आपको आया ऐसी कॉल तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो हो जाएंगी आपकी बैंक अकाउंट खाली। 2 घंटे के भीतर सिम कार्ड बंद होने की कही जा रही है बात, सच्चाई जानकर रह जाएंगे हैरान। जाने क्या है इस कॉल की सच्चाई, क्यों आ रहे हैं ऐसी कॉल, क्या करना चाहिए, जाने सब कुछ विस्तार से। जी हाँ, परमानेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बीते शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल कई यूजर्स को DOT के नाम से एक कॉल प्राप्त हो रहा है, यानी कि कॉल आ रहा था जिसमें उनसे 2 घंटे के भीतर सिम कार्ड बंद होने की बात कही जा रही थी। इससे बचने के लिए लोगों से कई तरह की डिटेल्स मांगी जा रही थी। इस विषय में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों को बताया है कि ये एक फेक कॉल है, यानी कि ऐसी कोई भी कॉल DOT की तरफ से नहीं की जा रही है। दूरसंचार विभाग में ऐसी कॉल आते ही तुरंत इसे काटने और फिर कोई भी निजी डिटेल्स कॉल पर शेयर ना करने की अपील की है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत में टेलीकॉम सर्विस को गवर्नर करता है। इसी बात का फ़ायदा उठा करके स्कैमर्स फेक कॉल करके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यदि आपको भी इस तरह की कोई भी कॉल आता है जिसमें DOT का अधिकारी होने का दावा किया जाता है, तो फिर आप फौरन कॉल को काट दें और नंबर को ब्लॉक कर दें, या इसके साथ ही नंबर को रिपोर्ट भी करें, और ताकि जब किसी दूसरे व्यक्ति पर यह कॉल जाए तो उन्हें पहले ही पता चल जाए कि ये नंबर स्पैम से जुड़ा हुआ है। या ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स आपको नंबर को रिपोर्ट करने के साथ साथ स्कैमर्स टाइप को डिस्क्राइब करने का ऑप्शन भी देता है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो नंबर को नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। DOT ने बुधवार को OneWeb ISP-A के साथ साथ VS-80 लाइसेंस आवंटित किया है। अधिकारियों ने बताया है कि जियो सैटेलाइट को पिछले महीने ISP लाइसेंस मिल चुका है। दोस्तों ये अपडेट बस यहां तक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।